खाटू वाले श्याम दनी हम न चसका एक तेरी यारी का ना ते मन चेतक चाहिए जी ना ही चसका लाल फरारी का हो। अब तीन जाट रियाने के रोतक के अब तीनों बाबा के भगत खेती कराया करते। अब हरियाणा के तीन जाट तीनों बाबा के भगत तीनों ने ठान ली खाटू श्याम जी जाएंगे। अब एक के तो थी एक एकड़ जमीन, दूसरे के थी दो एकड़ जमीन, तीसरे के थी तीन एकड़ जमीन। अब तीनों के पास एक के पास साइकिल थी, एक के पास ऐसी साइकिल थी जिसमें चेन नहीं थी, एक के पास ऐसी थी जिसमें टायर नहीं था। अब खाटू जाएं कैसे? तो तीनों ने डिसाइड किया है चौथा जाट अपना है ना उसके पास स्विफ्ट डिजायर है, उसको पटा लेते हैं, उसकी गाड़ी में बैठ कर चल जाएंगे। अब वो चौथा था नास्तिक, उसके हिस्से में आती थी 350 एकड़ जमीन। तो जिसके इतनी प्रॉपर्टी माल हो उसको भगवान से क्या लेना देना भाई, अपना आराम से काटते रहते जिंदगी। अब तीनों पहुंच के बोला भाई खाटू चलते हैं। बोला भाई मैं नहीं जानता खाटू बाटू। बोला नहीं चलते हैं, कुछ देगा बाबा? बोला मांग तुम लेना, मैं सिर्फ देख के आ जाऊंगा, देता भी है कि नहीं, मांगूंगा नहीं। लेकिन अब बैठ के गाड़ी में, अब पूछ के खाटू श्याम जी, अब पहले की बारी आई, आवाज मारी बाबा, मार लियो आवाज, ओ बाबा। बाबा बोला क्या हो गया? बोला बाबू जी घनी दिक्कत है साइकिल पे, हाँ एक चेतक का स्कूटर मिल जाए तो बहुत मजा सा आ जाए, पैडल मारने से चले जाएंगे, खत्म होगी बात। बाबा बोला बस, बोला जा ले जा, मन लगा कोई हेलीकॉप्टर मांगेगा। दूसरे की बारी आई, बोला बाबा मन तो एक्टिवा ही दे दे, गेयर कोने लगाने आते। बाबा बोला जा तू भी ले जा। तीसरे की बारी आई, तीसरे का वजन बहुत कम था, वजन बहुत कम था। तो बाबा ने बोला बाबा मेरा वजन बहुत कम है। तो बाबा बोला वजन बताना? बोला ना। बोला मेरी ड्यूटी खेता में पानी लगाने की लगा रखी है और पाइप में प्रेशर इतना होता है, मैं यहां से शुरू होता हूं पाइप मेरे को ऐसे घुमा देती है, तो एक काम कर। बोले के बोला एक लाल फरारी दे दे, खिड़की खोल के अंदर बैठा बैठा पानी देता रहूंगा। बोला जा तू भी ले जा। अब चौथे की बारी आई, अब चौथा तो मांगने गया नहीं था। बाबा बोला तने के चाहिए? अब चौथा थोड़ा कब्बा बोले था तो बोला देख भी नहीं सकते, किसी की दुकान में चल जाओ लाला जी की, अच्छा कोई सामान ना खरीदो, लाला जी दो बार पूछेंगे, हाँ जी बोलो क्या चाहिए, अच्छा आप देखते रहो, फिर बोले हाँ जी बोलो क्या चाहिए, देखते रहो, तीसरी बार लाला जी बोलो चलो बार माल तो लेना नहीं है सिर्फ देखने आया, चलो यहां से। तो बाबा भी यही बोला, बोला आया के लेना है तू जब चाहिए नहीं? बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बाप ने मेरे नाम 350 एकड़ कर रखे हैं। बाबा बोला तेरा बाप भी अड़ते लेके गया था, पूछ के आइए। बोला बाबा बात तो तेरी सही है, मैं मांगण मुंगण गुण आया था, मैं तो देखण आया था देवे भी है या व्हाट्सएप पे मैसेज ही आता है, लेकिन आज पक्का हो गया, साइकिल वाले को स्कूटर दे रहा है और बिना टायर वाले को फरारी दे रहा है। तो एक काम कर, ओ खाटू वाले श्याम दनी ओ मन चसका एक तेरी यारी का, ना ते मन चेतक चाहिए जी ना ही चसका लाल। जरा सुनना ध्यान से जाट का और बाबे का संवाद, कौन कौन सुनना चाहते हैं? 1 2 1 2 3 4 चाहिए जी।
मैं सीधा साधा जाट सुबापा तने मिलने आया तू सीधा साधा जाट सुबापा तने मिलने आया तू मैं सीधा साधा जाट सुबापा तने मिलने आया तू सीधा साधा जाट सुबापा तने मिलने आया तू ना मांगण ताई आया बाबा दर्शन खातिर आया तू मांगण खातिर आया बाबा दर्शन खातिर आया तू तू बिन बोलेगी देते है बोलेगी देते है बाबा श्याम बोलेगी देते है तू बिन बोलेगी देते है बोलेगी देते है सुन रखा है दिलदारी का यारी का यारी का यारी का यारी का सच बताना किस किसने सुन रखा है भजन जरा ताली बजा कर गाना ना ते मन छे तक चाहिए जी हर दिशा लाल बरारी का छे तक चाहिए जी ना जस का लाल बरारी का छे तक चाहिए जी ना जस का लाल बरारी का ओ ये ऊपर वाले कंजूसी कर रहे हैं मस्ती में जाट बोले बाबा मने लगा मैं राजस्थान में आया हूं तो यहां रेत मिलेगी लेकिन ये रिंगस से पहले पहले तो रेत मिलती है जैसे ही रिंगस शुरू होता है तो खेत ही खेत मिलते हैं तो मैंने कहा मेरे खेत में तेरी रेत में मेरे खेत में तेरी रेत में जिन पर बाबा की कृपा होती है उनकी बंजर जमीन भी 20,000 रुपए स्क्वायर फीट वाली 1,00,000 रुपए स्क्वायर फीट हो जाती है जिस पर बाबा की कृपा होती है मेरे खेत में तेरी रेत में 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 कोई घना फर्क ना हो रहा से खेत में तेरी रेत में कोई घना फर्क ना हो रहा से मेरा खेत तेरा रेत दोनों हरिया भरिया जी हो रहा से मेरा खेत तेरा रेत दोनों हरिया भरिया जी हो गया से और अगली लाइन आपने गानी है ना कर्जा करना मने कमाना ना कर्जा करना मने कमाना कर्जा करना मने कमाना ये जो लोन देने वाली बहनें फोन करती है ना भाई साहब लोन ले लीजिए उस पर गुस्सा मत हुआ करो खुश किस्मत है देने के लिए फोन आता है जिस दिन फोन आएंगे ना इंस्टॉलमेंट नहीं भरी भाई साहब आपने थोड़ी भर देना उस दिन फोन बंद करके सोओगे भगवान को कहा करो भगवान ये देने वालों के फोन आते रहे लेने वालों के ना आए साहब अमीर वो नहीं है इस दुनिया में जिसके पास करोड़ों रुपए है अमीर वो है जिसके पास सिर्फ लेना ही लेना है किसी की देनदारी नहीं है साहब अमीर वो है ना कर्जा करना मने कमाना ना कर्जा करना मने कमाना इज्जतदारी का वो काम जो इज्जत से होता हो चाहे वो छोटे से छोटा क्यों ना हो कोई काम छोटा नहीं होता जो इज्जतदारी से होता है साहब एक 5-star होटल में चाय 700 रुपए की है और उसके सामने चाय बनाने वाला बैठा है उसकी चाय 7 रुपए की है लेकिन वो बैठा रहता है ये सोच के नहीं कि वहां 700 की है और मेरी 7 की है वो इसलिए बैठा रहता है कि शाम को जो 100 रुपए घर लेके जाऊंगा ना वो इज्जत के लेके जाऊंगा साहब इज्जत के लिए कमाया हुआ धन ही काम आता है ना कर्जा करना मने कमाना इज्जतदारी का ना ते मन चेतक चाहिए जी ना चस्का लाल दोनों हाथ उठाना जो इज्जत का खाना चाहते हो ना ते मन चेतक चाहिए जी न
ना चस्का लाल बारी का ये तक चाहिए जी तो चस्का लाल बारी का ये तक चाहिए जी तो चस्का लाल बारी का। देखो एक बार ताली बजाना, आज 56 भोग सुना कर जाऊंगा दरबार में, जो 56 भोग बाबा को लगाएंगे वो भी जरा ताली बजा के ये बात एकदम ठीक खातर थोड़ी मिठाई दिल्ली से लेकर आया सू, खातर थोड़ी मिठाई दिल्ली से लेकर आया सू, हम काटू जाते वहीं के पेड़े वहीं खिलाए आते। जय हो। दिल्ली से बाबा का प्रसाद लेके जाया करो, आजकल तो दूर दूर से लगता है, तो बाबा के लिए अच्छी से अच्छी मिठाई लेके जाया करो। मिठाई ले जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप पैसा खर्च के ले जा रहे हैं, उसका मतलब ये होता है कि आपको बाबा की याद आती है, बाबा का ध्यान रखते हो, बाबा दिल में बसता है। चाहे बाजार से मिठाई लेके जाओ, चाहे घर से चूरमा बना के लेके जाओ, याद रहेगा तो बाबा को अच्छा लगेगा कोई प्रेमी आ रहा है। तेरे खातर थोड़ी मिठाई मैं घर से लेकर आया हूँ, थोड़ी मिठाई मैं घर से लेकर आया हूँ, घर का बेसन और देसी घी मिलवा कर लाया हूँ, बेसन और देसी घी मिलवा कर लाया हूँ, घर का बेसन और देसी घी। किसी ने कहा भाई रेडीमेड क्यों नहीं ले आया, बोला जी आजकल थोड़ी मिक्सिंग चलती है, जो बाबा जी सुबह सुबह कपाल भाती कराते हैं शाम को वही घी बेच के चले जाते हैं। बैठ के देख जवाना, बैठ के देख जवाना, बाबे व्यापार चलाते हैं, बाबे व्यापार चलाते हैं, बैठ के देख जवाना, बाबे व्यापार चलाते हैं, बैठ के देख जवाना, बाबे व्यापार चलाते हैं। सुबह शाम को बेचते घी सुबह योग कराते हैं, पहले कहते थे MDH का तड़का तुम्हारा अंग अंग भड़का, अब खुद ही लगवा देते हैं अपने मसालों का तड़का, पहले चलाते थे धर्म अब सरकार चलाते हैं, बैठ के देख जवाना बाबे व्यापार चलाते हैं, तेरे खातर थोड़ी मिठाई मैं घर से लेकर आया हूँ, थोड़ी मिठाई मैं घर से लेकर आया हूँ, घर का बेसन और देसी घी मिलवा कर लाया हूँ, बेसन और देसी घी मिलवा के तू भोग लगा दे सावरिया मन मजा समझे यारी का, यारी का तू भोग लगा दे सावरिया मन मजा समझे यारी का, रात मन छे तक चाहिए जी नहीं चस्का लाल। अच्छा बाबा बोला चल ठीक है कुछ नहीं लेना तुझे, लगा कैसा खाटू आके, तो बोला तेरा दर्शन करके यूं ला गया जैसे गंगा जी मैं नहा लिया जी, मित्तल के संग खाटू आकर हारे हारे गा लिया जी, हम हारे 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 तुम हारे के सहारे शाम, हारे के तू है मेरा
इतना बता दे आता नहीं है समझ कुछ मुझे आता नहीं है समझ कुछ मुझे नहीं मेरे लिए मेरा निर्माण है। पहला भजन था ये 2014 में जो मैंने लिखा और ऐसा भजन मेरी जिंदगी में आया कि मुझ में भी उम्मीद जगा गया कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। बस उस समय का इंतजार करना सबके लिए बना है, वो समय सबके लिए बना है, उसका इंतजार करना, उससे पहले हार मत जाना। क्या दूं तुझे क्या है मेरा, क्या दूं तुझे क्या है मेरा, जो कुछ मेरा सब है तेरा, जो कुछ मेरा सब है तेरा, तुमने दिया मुझको प्रभु सब, तुमने दिया मुझको प्रभु सब, दिल की कहूँ सुन लो प्रभु अब, दिल की कहूँ। आप सबके आशीर्वाद से श्री राम जन्मभूमि ने पहला राम जी का भजन रिलीज किया है और उसको गाने का अवसर मुझे मिला है, उसको रिलीज हुआ है, वो उसकी लाइनें सुना रहा हूं कुछ चंद, अगर याद है मुझे तो शायद। मिट्टी से जो काली पो तुम बंधन बार सजाओ, भांति भांति के व्यंजन लाकर प्रभु को भोग लगाओ, मुक्त मगन हो नृत्य करो तुम लेकर उनका नाम, भवन में आए हैं श्री राम, आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम। अच्छा लगा, ताली बजे जरा एक बार, आप गाइए। भवन में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, सरयू के पावन जल में खड़े हैं नर और नारी, साधु राजा खड़े हैं स्वागत की तैयारी, राम जन्म से इससे बढ़कर नहीं है दूजा काम, भवन में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, भवन में